हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू सिंपली सेल्फ। तो आज ये पहला चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ जो हमारी एक जर्नी रहेगी आध्यात्म के लिए, एक हमारे हिंदू सनातन धर्म को समझने के लिए। तो हमारे यहाँ पे हमेशा ये देखा गया है कि भारत में हर चीज़ समझाने का बहुत ही एक अच्छा तरीका रहा है। हम अगर आपको पोथी पढ़ाएंगे, आपको वेद पढ़ाएंगे, तो उसको शायद जानने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए हमेशा ही भारत में बहुत ही सरल तरीका रहा है, बहुत इजी तरीका रहा है। हम हर चीज कहानियों की तरह समझाते हैं। तो हम आज सर्वप्रथम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक कहानी सुनेंगे। और ये कहानी किसके बारे में है, ये क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छा काम शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम करेंगे श्री गणेशाय नमः। तो आज हम समझेंगे कि ये गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। और ये कहानी तो हम फिर भी सब जानते होंगे, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि गणेश जी का जो शीश है, जो सर है, वो गज का सर ही क्यों है, उनका एलिफेंट का सर ही क्यों है और कोई क्यों नहीं है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गणेश जी को सर्वप्रथम क्यों पूजा जाता है। तो जल्दी जल्दी अपने घर के सभी बच्चों को भी आप यहीं बुला लीजिए, क्योंकि ये पहला लेसन रहेगा उनके लिए। शायद पढ़ा के रखा है अगर आपने, बहुत अच्छी बात है। तो गणेश जी का जन्म ऐसे हुआ था कि जब पार्वती जी घर में अकेली थी और उन्हें स्नान के लिए जाना था, तो द्वारपाल ना होने के कारण उन्होंने जो सामग्री होती थी, जो उपकरण होता था, उसे उन्होंने एक बालक, एक बॉय का आकार बनाया, शेप बनाई और उस बालक में जीवन दिया। वो बालक ही गणेश जी थे। तो उन्होंने वो जो उपकरण से जो काया बनाई थी, उसको गणेश जी को कहा कि आप हमारे द्वार पे खड़े रहें और जब तक मैं आज्ञा ना दूं, जब तक मैं परमिशन ना दूं, आप किसी को घर के अंदर मत आने दीजिए। गणेश जी ने अपने माता को नमस्कार किया, बोला बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा, और वो द्वार पर खड़े हो गए। अब थोड़ी देर बाद जब शिव शंकर वापस अपने घर लौटे, तो घर में घुसने लगे, तो गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। तो शिव जी ने उन्हें कहा कि ये मेरा ही घर है, तुम कौन हो? तो गणेश जी ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा है, मैं द्वार पे खड़ा रहूं और बिना उनके अनुमति के, बिना उनके परमिशन के किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी ने उन्हें समझाया कि मेरा ही घर है, पार्वती जो है मेरी ही धर्म पत्नी है, मुझे आप अंदर जाने दीजिए। लेकिन क्योंकि गणेश जी ने अपनी माता को एक वचन दिया था, उन्होंने कहा आप यही रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ। लेकिन जब ये बहुत लंबा एक डायलॉग हो गया, बहुत वार्तालाप लंबा हो गया, तो शिव जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। शिव जी ने गुस्से में अपना त्रिशूल उठाकर गणेश जी का मस्तक, उनका जो सिर है, उनके शरीर से अलग कर दिया। उतनी देर में जब पार्वती माता स्नान करके, नहा कर बाहर आई, उन्होंने देखा कि गणेश के साथ क्या हुआ है, तो वो बहुत ही क्रोधित भी हुई और बहुत उदास भी हुई। तो शिव जी ने उनसे जब पूछा कि आप क्यों उदास हैं, उन्होंने कहा ये जो बालक था, इसका मैंने ही इसको जन्म दिया था, मैंने ही इसको बनाया था और वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था, आपने क्यों इतना क्रोध दिखाया, इतना गुस्सा दिखाया, इतना एंगर दिखाया और उनको मार दिया, उनका गला क्यों काट दिया? तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं इस बालक में पुनः प्राण डाल देता हूँ, मैं फिर से इसमें जान डाल देता हूँ। तो शिव जी ने अपने गणों को वहां बुलाया। शिव जी की बहुत बड़ी सेना है, वो भी हम कवर करेंगे कभी। तो वो जितने भी गण थे वो सब भाग के आए। उन्होंने कहा बताइए प्रभु क्या करना है। शिव जी ने बोला आप उत्तर दिशा में जाइए और वहां पे जो भी आपको पहला जीव मिले आप उसका सिर लेकर आइए। तो सब गण जो है चल पड़े उत्तर दिशा में। सबसे पहले जब वो जंगल की तरफ जा रहे थे, उन्हें एक हाथी मिला। उस हाथी का गणों ने सिर अलग किया और वो सिर लाके शिव जी को दिया। शिव जी ने वो सिर बालक गणेश के शरीर के ऊपर लगाकर उसमें पुनः प्राण डाले, उसको फिर से जीवित किया। जब वो जीवित हुए, माता ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। पार्वती जी ने बोला ये आपके पिताजी हैं, ये गणेश हैं, दोनों आपस में गले मिले। शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको वरदान दिया कि आप हमेशा हमारे सबसे निकटतम पुत्र रहेंगे, सबसे प्रिय पुत्र रहेंगे, सबसे फेवरेट सन रहेंगे। और गणेश जी तब से शिव और पार्वती के साथ में वहां रहने लगे। तो ये तो कहानी है कैसे गणेश जी का जन्म हुआ।
लेकिन अगर आप ये पूरा देखें या पूरा समझें तो कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि लेकिन उस हाथी का क्या दोष था, उस हाथी का क्यों गला कट गया, या आप ये पूछेंगे कि हाथी का ही सर क्यों लगाया। ऐसा भी हो सकता था कोई और जानवर मिल जाता, कोई और मनुष्य मिल जाता, कोई और इंसान मिल जाता। अब हम ये जानेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो ये जो पूरा एक जो कांड रचा गया है, ये बोलते हैं ना, बिना किसी रीजन के कोई चीज नहीं होती है। तो इसके पीछे भी भोलेनाथ का, शिव शंकर का कुछ एक औचित्य था। और वो क्या औचित्य था, क्या रीजन था, क्या पर्पस था, उसको हम जाने, उसको जानने के लिए एक कहानी और। आज आपको दो तीन कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार जंगल में इंद्रदेव, जो कि जितने भी देवता हैं उनके प्रमुख हैं, उनके राजा हैं, स्वर्ग में उनका सिंहासन है। तो एक बार इंद्रदेव जंगल में एक नदी के पास घूम रहे थे और वहीं पर एक अप्सरा थी, रंभा, वो वहां पर पानी में आखेट कर रही थी। तो इंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो वो थोड़ा सा उनका मन विचलित हो गया, थोड़ा प्रभावित हो गए वो उससे, तो उनको देखने लगे। तो उनका ध्यान बाकी सब चीजों से भटक गया। उतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां से गुजर रहे थे। तो जब वहां से ऋषि दुर्वासा जा रहे थे, उन्होंने इंद्र को देखा, लेकिन वो अप्सरा को नहीं देख पाए कि अप्सरा भी वहां पर है। तो ऋषि दुर्वासा इंद्र के पास गए। इंद्र ने भी यकायक जब ये जाना कि ऋषि दुर्वासा आ गए हैं, तो वो नतमस्तक हो गए, उन्होंने नमस्कार किया, स्वागत किया उनका पूरा, और उनसे उनका हालचाल पूछा और बोला मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, और अच्छे से उन्होंने ऋषि के साथ बात करी। तो उससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने एक पुष्प दिया इंद्र जी को। ऋषि दुर्वासा आ रहे थे विष्णु भगवान की पूजा कर तपस्या कर, तो विष्णु भगवान ने एक परिजात पुष्प दिया था ऋषि दुर्वासा को। तो जो परिजात पुष्प है वो भी सागर मंथन के समय निकला हुआ है। जैसे बहुत सारी चीजें निकली थी सागर मंथन में, जैसे अमृत निकला था, विष निकला था, उसमें से परिजात पुष्प भी निकला था जो कि देवताओं के पास था। तो ये जो पुष्प जब ऋषि दुर्वासा की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने दिया, तो ये क्योंकि इंद्र जी ने बहुत अच्छे से ऋषि दुर्वासा की देखभाल करी और उनसे पूछा वो कैसे हैं, उन्होंने भी प्रसन्न होकर वो पुष्प आगे इंद्रदेव को दे दिया। और साथ ही ये भी कहा कि ये पुष्प जो है ये मैंने बहुत ही तपस्या के साथ लिया है, और इस पुष्प को आप अपने मस्तक लगाएं, और जब आप इसको मस्तक लगाएंगे तो आप बहुत ही कीर्तिमान होंगे, बुद्धिमान होंगे, आपकी ख्याति चारों दिशाओं में रहेगी, और माता लक्ष्मी सदैव आपके साथ रहेगी। और ये कहते हुए वो पुष्प देकर आगे बढ़ते हैं। इंद्र जो थे वो इस तरह से मंत्रमुग्ध थे अप्सरा से कि उन्होंने वो पुष्प को मस्तक पर रखने की जगह, वो जैसे ही ऋषि एक ओर गए वो दूसरी ओर वापस अप्सरा की ओर मुड़ गए कि मैं जाता हूँ अप्सरा के पास। और वो ये नहीं जान पाए कि उनके हाथ में कितनी इम्पॉर्टेंट चीज एक रखी हुई है। तो वहां पे हाथियों का झुंड वहां से गुजर रहा था, तो इंद्रदेव ने वहां पे एक हाथी जो बैठा था उसके मस्तक के ऊपर वो पुष्प रख दिया कि मैं अभी आके इसको लेता हूँ, और वो आगे निकल गए। तो वो इंद्र जी तो निकल गए, पर ये जो हाथी है ये भी जब इसके पास वो पूरी शक्तियां मिल गई जो उस पुष्प वरदान था, तो वो हाथी भी अपनी परिवार के साथ जंगल चला गया। अब वो इतना तेज था उस पुष्प में, इतना वरदान था, इतनी अच्छी चीजें थी उसके अंदर, लेकिन वो हाथी वो थोड़ा मर्मस्त हो गया। वो बहुत ज्यादा ही बाकी जानवरों को परेशान करने लगा, क्योंकि वो इतना बुद्धिमान हो चुका था कि वो जानता था कि क्या कर सकता है। तो जनरली मनुष्य को माना जाता है बहुत इंटेलिजेंट है हम लोग, वो हाथी के पास भी इतना दिमाग पहुंच गया कि उसने लोगों का या जानवरों का भला करने की बजाय उसका बुरा करना शुरू कर दिया, कि उसकी पर्सनल चॉइस थी बहुत। तो बहुत परेशान रहने लगे। तो ये ही वो गज है, ये वही जो हाथी है, ये जो शिव जी के गणों को मिला था। उस हाथी के जो कुकर्म है या वो जिस तरह से परेशान कर रहा था पूरे जंगल को या जानवरों को, उसको खत्म करने के लिए ही ये पूरा एक रचा गया था कांड।
जिसमें कि शिवगण जाके उस हाथी का गला काट कर लाते हैं शिव जी को। अब क्योंकि वो मस्तक पे लग चुका था और वही गजमुख जो है वो कीर्तिमान और वही सेम प्रभावशाली था, वो जब गणेश जी के सिर पर रखा गया वो इमीडिएटली गणेश जी के अंदर वो सारे के सारे गुण आ गए। गणेश जी को क्योंकि पार्वती माता ने बनाया था और शिव जी ने उनमें प्राण डाले थे, उनके अंदर सारी की सारी जो भी थी बहुत ही शक्तियाँ, अभूतपूर्व शक्तियाँ थी। और उनके सिर के ऊपर जब ये सारे वरदान और मिल गए, विष्णु जी का भी उसमें वरदान मिल गया, तब गणेश जी को भी ये सारी की सारी युक्तियाँ प्राप्त हुई। गणेश जी को विष्णु जी के भांति पूजा जाता है, ये भी वरदान उसी पुष्प की वजह से उनको है। गणेश जी को सर्वप्रथम भी माना जाता है बिकॉज बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही बुद्धिमान है। इससे एक कहानी और ये आती है कि गणेश जी को सर्वप्रथम क्यों पूजा जाता है। सर्वप्रथम इसलिए भी पूजा जाता है क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है, वो विघ्न हरता है, वो हर किसी के विघ्न हटाते हैं। तो जब भी हम पूजा करने बैठते हैं हम ये चाहते हैं हमारी पूजा फले, हमें जिस कार्य के लिए जिस आशीर्वाद के लिए हम अपने हाथ जोड़कर पूजा कर रहे हैं वो पूरा हो, उस पूजा के दौरान भी कोई विघ्न ना आए, कोई डिफिकल्टी ना आए, कोई ऑब्स्टिकल ना आए। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम आवाहन करते हैं, हम इनवाइट करते हैं श्री गणेश को, और उसमें सर्वप्रथम हम बोलते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्यु सर्वदा। ये हमारी सबसे पहली पूजा होती है। और ये भी क्यों होती है इसके पीछे भी एक दो कहानियां हैं, मैं एक कहानी और जल्दी से बता देता हूँ। सभी देवताओं में और सभी गणों में एक बार ये डिबेट हो रही थी कि भाई सबसे स्मार्ट कौन है, सबसे बुद्धिमान कौन है, गणेश जी हैं या कार्तिकेय जी हैं। अब इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं इन स्टोरीज में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि गणेश जी और कार्तिकेय जी क्योंकि बाल अवस्था में तो जो भाई आपस में लड़ते हैं, सिबलिंग लड़ते हैं, उस तरह की लड़ाई थी कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है। बट जो भी रीज़न रहा हो, सभी की सभी कहानियाँ एक चीज़ ज़रूर कन्फर्म करती हैं कि ये अल्टीमेटली ये उद्देश्य रखा गया था कि जो भी ब्रह्मांड के तीन चक्कर पहले लगाकर आएगा उसको सर्वप्रथम माना जाएगा, उसको फर्स्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और क्योंकि कार्तिक जी की सवारी मोर है जो कि बहुत फास्ट है, और गणेश जी की सवारी जो एक चूहा है, मूषक है, वो छोटे छोटे पैरों से धीरे धीरे चलता है, तो कार्तिक जी काफ़ी प्रसन्न थे कि मैं सबसे पहले होकर आ जाऊँगा। और वो तुरंत निकल लिए और उन्होंने ब्रह्मांड के चक्कर लगाने शुरू किए। और गणेश जी ने क्योंकि वो अपने सब पूरा ब्रह्मांड उनके लिए उनके माता पिता ही माने उन्होंने, और अपने माता पिता के तीन चक्कर लगा लिए, और जब तक कार्तिक जी आए गणेश जी को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो जीत चुके हैं। तो ये जो बुद्धिमत्ता उन्होंने दिखाई, तब उनको एक आशीर्वाद शिव जी ने भी दिया, माता पार्वती ने भी दिया कि आपकी इन युक्तियों के लिए आप जो ये सारे ऑब्स्टिकल्स हटाते हैं कि कोई जो लंबा काम होना हो उसको भी अगर कोई आपकी प्रार्थना करे सच्चे मन से तो आप उसको छोटे में ही पूरा करवा देते हैं, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल जो विघ्न हैं उनको हर लेते हैं। इसके लिए आपकी पूजा सर्वप्रथम होगी, आप सबसे बुद्धिमान हैं क्योंकि आपको पुष्प का वरदान प्राप्त है, विष्णु जी का वरदान प्राप्त है, इसके लिए आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, कीर्तिमय हैं, और लक्ष्मी जी सदा आपके साथ रहेंगी, जो आपको पूजेगा उसके साथ रहेंगी। ये सब देखते हुए शिव जी ने और पार्वती जी ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया है जो कि आज हमारे लिए बहुत ही फेवरेट हमारे भगवान हैं। और हर वर्ष हम लोग गणेश उत्सव जब मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, गणेश जी को हम अपने घरों में लेकर आते हैं, वो एक अपने आप में एक उत्साह बन चुका है, एक फेस्टिवल बन चुका है। और वो फेस्टिवल भी कैसे बना था वो हम फिर कभी कहानी सुनेंगे, बट आज हमने ये सीखा कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था, गणेश जी का मुख जो है वो गज का मुख ही क्यों है, और गणेश जी को सर्वप्रथम क्यों पूजा जाता है। और यहाँ से हमने शुरू किया है अपना ये पूरा अध्याय, और आगे हम ऐसे ही चलते रहेंगे। आप लोगों ने बहुत सारी मुझे चिट्ठियाँ लिखी हैं और मैसेजेस तो बहुत सारे डाले हैं,
आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है, मैं धीरे धीरे सब कवर करूँगा। तब तक के लिए हम मिलते रहेंगे, ये वीडियो आप देखते रहिए, बच्चों को दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और फिर हम मिलेंगे कुछ टाइम बाद एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, कीप वॉचिंग सिंपली सेफ।